हेलो एवरीवन, कैसे हो? कैसा लगा आपको फर्स्ट लेक्चर? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो जरूर बूस्टअप हुआ होगा और आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी इस 2 इयर्स की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो चुके होंगे। ठीक है बेटे, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि फिजिक्स को सीखने से पहले, फिजिक्स को पढ़ने से पहले, फिजिक्स को जानने से पहले आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए और फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। ओके, तो उस मैथमेटिक्स को आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जितना बेहतर ढंग से मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाएंगे उतना ही बेहतर आपको फिजिक्स आएगा। ठीक है, तो बेटे मैथमेटिक्स आपको कितना जानना है, कितनी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट आपको फिजिक्स को जानने के लिए है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो हमारा जो शुरुआत है फिजिक्स का, वो शुरू होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स से। और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, तो उनमें से एक जो सबसे बेसिक चीज है उससे हम आज शुरुआत करेंगे और वो है बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, मुझे, मैं जब आपके एज में था, मैं जब आपके उम्र का था, तो उस टाइम मुझे अलजेब्रा बहुत पसंद था। मैं बहुत ज्यादा लाइक करता था अलजेब्रा को और उम्मीद करता हूं कि आपका भी ये एक फेवरेट पार्ट रहा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, है ना बच्चों? तो आपको इसकी ज्यादातर चीजें पता होंगी, बस एक पॉलिश करने की जरूरत है, एक फ्रेशअप व्यू देने, फ्रेशअप माइंड देने का जरूरत है इसको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं जो आप सबको पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन, सबसे बेसिक। ठीक है बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? ये तो सबके टंग पर होता है कि नहीं? रात को भी 12 बजे उठा करके कोई बोल दे कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, फटाफट बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी? तो बेटे ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने अपने माइंड में जरूर ये रिप्लाई कर दिया होगा, है कि नहीं? चलिए बेटा, इसके बाद सेकेंड है आपका, सेकेंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल बट वेरी कॉमन, है ना? अक्सर हम लोग यूज करते हैं। ठीक, थर्ड बेटे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दो तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ये दो बहुत ही ज्यादा कॉमन है ना? और ये थोड़े रेयरली यूज्ड होते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? देन देन फोर्थ है बेटा, फोर्थ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। चलो चलो चलो, सब लोग अपने दिमाग में बोलते रहो भाई, है ना? आप मुझे तो बोल नहीं सकते बट अपने दिमाग में जरूर बोल सकते हो। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटे? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिफ्थ है बेटे, फिफ्थ है बेटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हालांकि इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है तो ऑटोमेटिक इन दोनों का समीशन आ जाएगा, है ना? इनको और इनको मुझे ऐड करना है, तो बेटे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये मिलकर के कितने हो जाएंगे बेटे? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हालांकि इसे अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपसे। ठीक, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटे, सिक्स्थ ले सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो फिर क्या आएगा बेटे?
है ना, जब आप माइनस करोगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, सो इट विल गिव यू 4ab, है ना बेटे, क्या आ जाएगा ये 4 टाइम्स ab, 4 टाइम्स ab, दिस इज सिक्स्थ। क्लियर है मेरी बात? तो इसमें से बेटे ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा यूज होते ही होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, देन ये भी काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो इनका ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो बेटे है ना, ये बिल्कुल वही चीज है जो आपने बचपन से पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है ना, जब से आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं आप इसको यूज कर रहे हो, है ना बेटे, तो ये सब आपके लिए यूज टू है ना। हम बस ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले 2 साल भी हम इसको यूज करने वाले हैं, तो आपको भूलना नहीं है, आपको यहां पर रखना है इसको। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते बेटा। छह फॉर्मूले हमने देखे अभी तक, सेवेंथ सेवेंथ, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी का होल क्यूब। देन ये भी यूज होता है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं बट मॉडरेटली यूज होते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। 8th नंबर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है बेटे। तो ये कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं जो आपने अलजेब्रा में यूज किए हैं, ये सारी चीजें हमें आगे भी काम आएंगे, तो आपको याद रखना है बेटे, ठीक है। अगर मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप सबको याद होगा, अगर किसी के दिमाग से अगर निकल भी गया है तो आप एक बार इसको अपने माइंड में रख लें। बेटे आप जो नोटबुक बनाएंगे क्लास 11th की फिजिक्स की जो नोटबुक बनाएंगे, तो उसमें जो आपके फ्रंट के पेजेस होते हैं उसमें ये सारे फॉर्मूलेज आपके होने ही चाहिए, ठीक है। अभी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो आपके फ्रंट पेज पे होने चाहिए, इवन आगे जो भी नोटबुक्स तैयार करोगे हर नोटबुक के पहले फ्रंट 1 2 3 पेजेस पर ये सारे फॉर्मूले होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो नजर है वो बार बार उस पर पड़ती रहे। क्लियर? और आपको हमेशा ये चीजें याद रहे। क्लियर? हालांकि आप पूरे 11th और 12th में इन चीजों को इतनी बार यूज करोगे, इतनी बार यूज करोगे कि ये आपको बिल्कुल ऐसा क्या बोलते हैं, पत्थर की लकीर के टाइप आपके दिमाग पर खुद जाएगी, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। ओके चलिए, तो ये कुछ सिंपल बेसिक फॉर्मूले थे, है ना, जो हमें बार बार यूज करना है, ठीक है बेटे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स, ठीक है बेटा, पॉलीनोमियल। अगर कोई एक ऐसा फंक्शन हो बेटा, अगर कोई एक एक्स का ऐसा फंक्शन हो जैसे कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड शो ऑन, ठीक है, इस तरीके से हो, जहां पर बेटे ए नॉट ए वन ए टू आर कॉन्स्टेंट्स, क्या है ये सब कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल क्या है ओनली एक्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, इट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, आ रही बात समझ में बेटे। इसमें क्या है पॉलिनोमियल, मतलब कई सारे टर्म्स हैं, देखिए है ना, कई सारे टर्म्स हैं, तो इट इज पॉलिनोमियल। अब बेटे पॉलिनोमियल में मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है, एक इंडेक्स होता है, ठीक है, क्या होता है ये डिग्री, क्या होता है ये इंडेक्स, आप सबको पता होगा, है ना, क्या होता है बेटा, डिग्री और इंडेक्स ऑफ अ पॉलीनोमियल, ठीक है बेटे, डिग्री और इंडेक्स ऑफ पॉलीनोमियल। तो बेटे
अगर इस कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, लेट्स से कि आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री लाइक दिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो बेटे वेरिएबल टर्म क्या है इसमें, एक्स है वेरिएबल टर्म, तो इस एक्स का यहां पर पावर कितना है बेटे, वन है, और यहां पर पावर कितना है, टू है। तो अगर मैं पूछूं कि बेटे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है ना, एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, तो इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म का जो हाईएस्ट पावर है वही उस पॉलिनोमियल का, उस फंक्शन का क्या कहलाता है बेटा, डिग्री कहलाता है या फिर इंडेक्स कहलाता है, ठीक है, डिग्री कहलाता है या इंडेक्स कहलाता है। ओके, तो व्हाट इज डिग्री और इंडेक्स ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ, ओके बेटे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड डिग्री और इंडेक्स, ठीक है, उस पॉलिनोमियल फंक्शन का वो क्या कहलाएगा बेटा, डिग्री या इंडेक्स। तो लाइक यहां पर इसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, टू है, तो इसकी डिग्री कितनी है, टू है। आगे बात समझ में क्लियर है मेरी बात, ओके। अब अगर बेटे तो देखो बेटे डिग्री के बेसिस पर है ना, डिग्री के बेसिस पर, हाईएस्ट पावर के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो वन है, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। इफ इफ डिग्री और इंडेक्स ऑफ पॉलिनोमियल इज वन, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, तब हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा बेटा y इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, y इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, ये एक लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, वन है, x प्लस वाई बराबर एट, ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। आ रही बात समझ में, इस तरीके से हम y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 इस तरीके से अगर हम लिखते हैं, तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है ना, हाईएस्ट पावर क्या है, वन है सब में, तो ये सारे क्या हो गए, लीनियर इक्वेशन हो गए, क्लियर। इसी प्रकार से अगर डिग्री या इंडेक्स पॉलिनोमियल का टू हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आप सबने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, काफी फेवरेट टॉपिक हुआ करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मजा आता है इसको सॉल्व करने में, और वाकई ये हमारे बहुत काम की चीज है, आगे चल करके ये आपको काफी मदद करेगा बेटा फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर आपका क्वाड्रेटिक अच्छा है, बल्ले बल्ले है, नहीं है, थोड़ा वर्क कर लो, अच्छा कर लो, मजा आएगा आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ इफ डिग्री और इंडेक्स इज टू, देन इक्वेशन इज कॉल्ड, इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हम इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ओके, क्लियर है मेरी बात। तो बेटे
अगर मैंने इस तरीके से लिखा, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, और कंडीशन है बेटा ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ए शुड नॉट बी जीरो, बिकॉज अगर ए जीरो हो जाएगा बेटा, ए जीरो हो जाएगा तो जो स्क्वायर वाला टर्म्स है, पावर टू वाला टर्म्स है, वो खत्म हो जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा तो बेटा एक्स का हाईएस्ट पावर वन ही बच जाएगा ना, तो फिर तो ये लीनियर इक्वेशन बच जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस तरीके का टर्म है, तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है ना, उसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको, है ना, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके बेटे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता है बेटा, है ना, अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स आते हैं बेटे, है ना, इसके रूट्स आते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, व्हाट इज बी बेटा, दिस कोफिशियंट ऑफ एक्स, व्हाट इज ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज सी, ये वाला प्लेस पर जो है वो सी है, ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है कि यहां पर प्लस है और माइनस है, एक वैल्यू प्लस लेने पर मिलेगा और एक वैल्यू माइनस लेने पर मिलेगा, इस तरीके से आपको दो जो है इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, रूट्स, ठीक है, क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, तो क्या हो जाएंगे बेटे इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, रूट्स, तो एक को हम अल्फा कह सकते हैं बेटे, है ना, एक को क्या कह सकते हैं, अल्फा कह सकते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा, तो माइनस बी प्लस ले लेते हैं, प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इससे आपको अल्फा मिल जाएगा, सेकंड रूट कैसे मिलेगा बेटे, मिल जाएगा आपको माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट्स मिल जाते हैं आपको बेटे, क्लियर है मेरी बात, ओके। अब देखो आपने इससे भी ज्यादा पढ़ा है बेटा आपने, है ना, मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है, सम ऑफ रूट्स पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ रूट्स पढ़ा है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आती है, मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा आपको, कुछ भी नया नहीं बता रहा अभी तक, मैं क्या कर रहा हूँ, वही पुरानी चीजें घिस रहा हूँ, वही पुरानी चीजें घिस रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, तो चलिए बेटा, तो इन रूट्स के जो है, अल्फा और बीटा का जो रूट है, अच्छा इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने क्या देखा है कि इफ इफ स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, सॉरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, अगर ये इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है, तो आपको क्या मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे और दो मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो गए तो रियल रूट मिलेंगे और सिंगल मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, सिंगल मिलेंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो गए, निगेटिव हो गए, तो फिर क्या होगा बेटा, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है, ये सब भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपने पढ़ रखा है, ओके। इसके बाद हम क्या जानते हैं बेटा,
कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स करने हैं, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटे, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, दिस इज सम ऑफ रूट्स, दिस इज सम ऑफ रूट्स। फिर आप क्या कर सकते हो, इनका डिफरेंस ले, प्रोडक्ट ले सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है बेटा, सबको पता होगा सी अपॉन ए होता है, क्या होता है बेटे, सी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देन डिफरेंस ले सकते हैं इसका, है ना, क्या ले सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ओके। तो बेटे जब आप डिफरेंस लोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट्स, यानी अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में बच्चे। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो हमने देखा बेटे, ठीक है। ओके, तो हम चाहे तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं बेटे, एग्जांपल लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 8x नाइन एक्स कर लेता हूं बेटे, 9x प्लस 20, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, इसके हमें रूट्स निकालने हैं, कैसे करेंगे बेटे, इसके रूट्स निकालने हमें, तो वी नो दैट, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है बेटा, 1, ठीक है, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक बेटा, तो a बराबर क्या हो गया 1, b इक्वल्स टू क्या हो गया 9 एंड c इक्वल्स टू क्या हो गया 20, नाउ वी हैव फॉर्मूला, वी कैन यूज देम, है ना, तो बेटे क्या हो गया, x इक्वल्स टू माइनस b, सो माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, सो 9 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है बेटा 1 एंड c कितना है बेटा 20, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, सो हाउ मच दिस, हाउ मच इज दिस, माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 माइनस 80, ओके, 81 माइनस 80 अपॉन 2, माइनस 9 प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटे, 1 हो जाएगा, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, अपॉन 2, ओके, सो दिस इज माइनस 9 प्लस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 9 माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 9 प्लस 1 इज हाउ मच बेटे, माइनस 8 अपॉन 2 एंड माइनस 10 अपॉन 2, सो क्या हो गया बेटे, माइनस 4 एंड माइनस 5, माइनस 4 एंड माइनस 5 दे आर द रूट्स अल्फा एंड बीटा, अब जो भी चाहिए आपको निकाल सकते हो बेटे, क्लियर, तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करने हैं, ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज होता है,
तो आपको क्लास 10th 9th की बुक्स में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स दिखे वो बना डालो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। नाउ हम लोग बात करेंगे बेटे बाइनोमियल एक्सपांशन की। बाइनोमियल एक्सपांशन, एक्सपांशन, ठीक है? तो बच्चे पॉलिनोमियल मीन्स क्या हो गया, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, दो से अधिक टर्म्स होते हैं। और बाइनोमियल मतलब क्या हो गया बेटा, दो टर्म्स होते हैं, जब दो टर्म्स होते हैं तो उसको बाइनोमियल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला भाई कि x प्लस ए का पावर n, इसको एक्सपांड करना है ना, जैसे आपने किया था ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने क्या देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसा था, क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो तो कितने टर्म्स आए, एक दो तीन टर्म्स आए, पावर कितने थे, दो थे। जब n पावर होते हैं तो n प्लस वन टर्म्स आते हैं, ठीक है? उसी तरीके से अगर मान लो ए प्लस बी का होल क्यूब किया तो फिर क्या आए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको एक्सपांड करोगे ए क्यूब बी क्यूब 3a² b प्लस 3ab², कितने हो गए, एक दो तीन चार, देखो n n 3 थे तो कितने टर्म्स आए, 4 टर्म्स आए। तो ये क्या कर रहे हैं हम बेटे, ये दो टर्म्स हैं हर एक में और उस पर पावर लगा हुआ है और हमने उसको क्या किया, एक्सपांड किया, है ना? जब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम उसको एक्सपांड कर रहे हैं, दो टर्म थे अभी देखो कितने हो गए, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम बाइनोमियल, दो टर्म्स वाले थे, पावर थे, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन। तो बेटे यहां पर आपको पावर्स गिवन है, छोटे पावर्स हैं तो आप कर पा रहे हो, बहुत बड़े पावर होंगे तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते, उसके लिए एक है ना डेफिनेट रूल होता है जिसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या है वो रूल बाइनोमियल एक्सपांशन का। तो x प्लस ए टू दी पावर n को एक्सपांशन लिख सकते हैं इस तरीके से, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n ए टू दी पावर 0 प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ए टू दी पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू ए टू दी पावर 2 प्लस 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 फाइनली एन सी एन एक्स टू दी पावर 0 ए टू दी पावर एन, ठीक है? ए टू दी पावर एन, ये इसका एक्सपांशन है, ठीक है? ये इसका एक्सपांशन है। अरे बाबा ये क्या है क्या ये चीज, अब आपका जो है ना सर पकड़ रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं सर, ये तो कुछ भी पल्ले ना पड़ा। ये तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं है, ठीक है, पल्ले जरूर पड़ेगा। तो देखो बेटा क्या है, यहां पर जो ना समझने वाली चीज है वो है ये, है ना, इसके कारण आपका है ना, इसके कारण आपको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। तो ये क्या चीज है, कैसे लिखते हैं इसको समझिए, जैसे इसको हम कॉमन में एन सी आर कह सकते हैं, ठीक है? एन सी आर, इसका एक्सपांशन होता है बेटा, इसका डेफिनेशन होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है? ये इस तरीके जो हमने लिखा है वो क्या है, फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज होता है सर, ये फिर से एक नया पंगा है, फैक्टोरियल क्या चीज होता है, तो आप समझिए बेटा, जैसे मैं कहता हूं कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, तो आपको क्या करना है, देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखना है, समझ गए? अगर मैं कहता हूं फैक्टोरियल 5, तो आपको क्या लिखना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, कोई भी टफ चीज नहीं है। अगर मैं कहता हूं फैक्टोरियल 3, तो आपको क्या लिखना है बेटा, 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिखना है, दिस इज फैक्टोरियल 3, ओके? तो बेटे आपको समझ में आ गया फैक्टोरियल का मतलब क्या है और एनसीआर का मतलब क्या है, ठीक है?
तो यहां पर जो चीजें हैं बेटा वो बदलती रहेंगी, जैसे कि यहां पर क्या चीज है एन सी जीरो, यहां पर क्या चीजें हैं एन सी जीरो, तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल एन, आर की जगह क्या है जीरो, तो फैक्टोरियल जीरो और फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, ठीक है इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो एन सी जीरो का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली वन होता है, याद रखें एन सी जीरो का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली क्या होता है बेटा वन होता है, याद रहेगा ठीक है क्लियर। तो एन सी आर क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया क्लियर। तो x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपांसर हम इस तरीके से लिखते हैं, यहां तक की बातें हमें समझ में आ गई। अब आगे क्या कर सकते हैं बेटा, इसका एक दूसरा रूप भी है, एक दूसरा रूप है थोड़ा सा सरल थोड़ा सा सिंपल, अगर मैं इस तरीके से लिखूं वन प्लस एक्स टू दी पावर n, ठीक है वन प्लस एक्स टू दी पावर n है ना, ये इसमें भी दो टर्म्स है, है ना, इसको हमें क्या करना है एक्सपांड करना है, चलिए करते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है x की जगह हमने 1 ले लिया, a की जगह क्या ले लिया है a की जगह x ले लिया है, यही सारी चीजें होंगी यही सारी चीजें होंगी। तो nc0 जैसा मैंने बोला nc0 क्या होता है बेटा 1 होता है, nc0 क्या होता है 1 होता है, x की जगह हमने क्या लिया है 1, 1 का पावर क्या n है ना, 1 का पावर n। तो बेटे जितने भी x है ना, जितने भी x है वहां पर x के बदले हमने क्या ले रखा है 1, तो 1 का पावर कुछ भी रखते चलो बेटा, तो 1 का पावर कुछ भी क्या होता है 1 ही होता है, तो ये वाला तो 1 हो गया और x का पावर क्या हो जाएगा 0, ठीक है x का पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस है ना। नेक्स्ट वाले में nc1, nc1 को क्या लिख सकते बेटा, जैसे मैंने बोला ncr क्या फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, तो यहां पर nc क्या है बेटा 1 है, nc 1 है, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है nc 1। तो बेटे चलो मैं पहले अभी इसी तरीके से लिख देता हूं, बाद में फिर वो करें। तो 1 का फिर से पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 और a का पावर क्या हो जाएगा बेटा सॉरी a की जगह क्या है x है, तो x का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा nc 2 हो जाएगा, 1 का पावर n माइनस 2 हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। अगला nc 3 हो जाएगा, 1 का पावर n माइनस 3 हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा ठीक है ऐसा चलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा बेटे 1, 1 का पावर कुछ भी 1, x का पावर 0, समथिंग पावर 0 भी क्या होता है 1, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 1 हो गया। प्लस nc1 को क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 और n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ऐसा हो लिख सकते हो, 1 का पावर 1 ही होगा इनटू क्या हो गया बेटा x फैक्टोरियल सॉरी यहां का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल है ना, और ये हो जाएगा x स्क्वायर क्योंकि 1 का पावर 1 ही होगा, ठीक है। nc3 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 फैक्टोरियल ऐसा हो जाएगा x का क्यूब प्लस, ये इस तरीके से चलता जाएगा ऐसा हो रहा है बेटे। तो 1 प्लस फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो, देखो यहां क्या करते थे है ना, मान लो 5 से स्टार्ट किए तो 5 फिर 1 घट गए फिर 1 घट गए फिर 1 घट गए फिर 1 घट गए ऐसे ही करते थे। तो जब मैं n से शुरुआत करूंगा बेटा तो n से शुरुआत करूंगा तो n और फिर 1 घट जाऊंगा है ना, n माइनस 1 हो जाएगा और वो फिर घटते चले जाएगा, उसको फिर से वापस क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल अपॉन अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा 1 का फैक्टोरियल, तो कुछ भी नहीं 1 ही रहेगा और n माइनस 1 का फैक्टोरियल नीचे भी है ठीक है इनटू x प्लस, यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा n फैक्टोरियल को, n एक घट जाएंगे फिर 1 घट जाएंगे n माइनस 2 आगे कंटिन्यू फैक्टोरियल लग जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बेटा इसको ऐसे ही रहने दो n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर हो गया प्लस फैक्टोरियल n है ना, अगेन इसको क्या लिख सकते हैं n इनटू n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 इनटू आगे क्या लग जाएगा बेटा n माइनस 3 का फैक्टोरियल ठीक है अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 का फैक्टोरियल x का क्यूब प्लस 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 सो ऑन चला जाएगा बेटा चलता रहेगा।
ओके बेटे, आ रही बात यहां तक समझ में आपको? नाउ सी बेटे, यहां पर ये जो फैक्टोरियल n माइनस वन है और यहां भी फैक्टोरियल n माइनस वन है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर फैक्टोरियल n माइनस टू है, यहां पर भी फैक्टोरियल n माइनस टू है, कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल n माइनस थ्री ऊपर भी है, फैक्टोरियल n माइनस थ्री नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपांशन क्या आ रहा है, यहां पर 1 है प्लस यहां पर क्या बचा बेटा n इंटू एक्स बचा, प्लस यहां क्या बचा n इंटू एन माइनस वन एक्स का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर यहां देखो क्या बचा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस प्लस प्लस, ऐसा जाता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपांशन, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपांशन। ठीक है, तो अभी जो मैंने NC0, NC1, NC2, NCR ये सारी बकवास जो हमने किए हैं, ठीक है, ये सारे जो हमने बकवास किए हैं, अगर वो आपको समझ में आया वेरी गुड, नहीं समझ में आया तब तो वेरी 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 गुड, कुछ टेंशन ही नहीं है बेटा, हमें उसको यूज नहीं करना है बाबा। ठीक है, हमें उसको यूज नहीं करना है, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ये आया कहां से, है ना, हमें बस एक आइडिया देना है कि आपको कि ये आया कहां से, वो यूज नहीं होने वाला है बेटा, भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ बोला। ठीक है, जिनको समझ में आया तो अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आया तो समझ लो कि ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं, कहीं यूज नहीं होने वाला है। क्या यूज होने वाला है, ये यूज होने वाला है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन क्या हो जाएगा बेटे, 1 प्लस एन एक्स, ये तो याद रख सकते हैं ना, ये सीधा याद रख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एन इंटू एन, अब देखो यहाँ 3 हो गए पावर 3 हो गए फैक्टोरियल 3 हो गए, 2 हुए पावर पावर 2 हुए फैक्टोरियल 2 हो गए, बहुत आसान है। आगे हो जाएगा तो बेटा ये 4 हो जाएंगे एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, 4 स्टेप हो जाएंगे फैक्टोरियल 4 पावर 4, आसान है ना। तो बाकी की पीछे की जो चीजें थी NC0 NCR जो भी मैं कर रहा था, आया समझ में, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नहीं आया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल सोचना नहीं। चल तो बेटे ये आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का, ये होता है एक्सपांशन, क्लियर। ठीक है, अब अगर ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं याद रहता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्या मजाक चल रहा है सर, यस, अगर इतना भी नहीं याद रहता है ना आपको तो भी कुछ टेंशन नहीं। चल अब क्या करते हैं, यहां पर हम एक स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस अगर हम ये मान ले बेटा कि ये जो x है ना वो 1 से बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है, ठीक है, ये जो x है वो 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर x 1 से बहुत छोटा है, ऐसी स्थिति में हम इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखें, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, 1 से बहुत छोटा मतलब जैसे कि मैंने इसको ले लिया 0.00001 ऐसा, ठीक है, तो ये क्या हुआ 1 से बहुत छोटा हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में 1 प्लस, ठीक हो, तो ये इक्वेशन है हमारा, है ना, ये एक्सपांशन है इसका, तो 1 प्लस एन इंटू एक्स, फिर क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर इस तरीके से पावर्स बढ़ते चले जाएंगे। देखो बेटे x हमने क्या लिया 1 से बहुत छोटा, जैसे कि 1 से बहुत छोटा क्या होगा, 1 से बहुत छोटा, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि 1 से छोटा लाइक 1/4 ले लिया, 1/4 अगर इसका पावर बढ़ाओगे ना बेटा, मान लो पावर हमने 2 किया तो क्या हो जाएगा 1/16, अगर मान लो पावर 3 किया तो क्या हो जाएगा 1/64, तो देखो 1/4 और 1/64 में कौन छोटा है बेटा, ये बहुत छोटा है, 1/64 क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, और पावर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1/256 हो जाएगा, ये और भी बहुत छोटा हो गया। तो जब 1 से किसी छोटी क्वांटिटी पर आप पावर बढ़ाते हो ना, वो बहुत छोटा होता चला जाता है, पावर जितने बढ़ेंगे वो क्वांटिटी और ज्यादा छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 1/100 है, इसका पावर हमने 3 कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2, 4, 6 इतना छोटा हो गया, देखो 1/ इतना छोटा हो गया, क्लियर है। तो छोटी क्वांटिटी पे जब आप पावर बढ़ाते हो तो वो और भी बहुत ज्यादा छोटी होती चली जाती है,
तो लाइक दैट यहां पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स बहुत छोटा है, आगे जब आप पावर बढ़ाते जाओगे, पहले एक्स स्क्वायर आया था, फिर एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स रेस टू फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, इस तरीके से बढ़ते चले जाएगा। तो बेटा जितना पावर बढ़ेगा वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी। जब वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, वॉट यू कैन डू, इग्नोर, आप क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, जो हायर पावर्स हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। कहां तक लेते हैं, बस यहीं तक लेते हैं। कहां तक लेते हैं, बस यहीं तक लेते हैं, इधर को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो देखो, वन प्लस एक्स टू द पावर, वन प्लस एक्स टू द पावर एन बराबर क्या आया, वन प्लस एन एक्स। ठीक है बेटे, बड़े ध्यान से सुनो, चाहे इसके पहले की कोई चीज समझ में आई हो या नहीं आई हो, ये समझ में आना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, ये बार बार यूज होने वाला है। बाकी जो है, बाकी जो भी चीजें हमने करी वो यहां तक पहुंचने के लिए करी, वो समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया भूल जाओ कि सर ने कुछ ऐसा बोला था। ठीक है, ये याद रहना चाहिए कि अगर x बहुत छोटा हो वन से, तो वन प्लस एक्स टू द पावर एन क्या होता है, वन प्लस एन एक्स होता है। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम, है ना, दिस इज बाइनोमियल थ्योरम, क्लियर है। तो जब भी मैं बोलूंगा कि भाई बाइनोमियल थ्योरम यूज करो, तो ये करना है आपको। ठीक है, और कब यूज करना है, जब आपको दिखे कि सेकेंड टर्म जो है वो वन से बहुत छोटा है, वन से बहुत छोटा है, पटाक से ये वाला चीज यूज कर लेंगे। तो वन प्लस एन एक्स, अच्छे से समझ में आ गया बेटा। इसके हम कुछ और रूप बना सकते हैं, इसके कुछ और रूप बना सकते हैं। अब मान लो बेटे, अगर मैंने वन प्लस एक्स टू दी पावर पावर माइनस एन ले लिया, तो इट विल कन्वर्ट इनटू, है ना, एन की जगह माइनस एन रख दोगे बेटा, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस एन एक्स बन जाएगा। अगर मैंने वन माइनस एक्स टू दी पावर एन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन वन माइनस एन एक्स बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने वन माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले आपको, चारों नहीं बेसिकली एक ही है, इसी को हमने फिर ऐसा अलग अलग रूप दिया है। तो वन प्लस एक्स टू दी पावर एन बराबर क्या होता है, वन प्लस एन एक्स होता है। शर्त क्या है, एक्स क्या होनी चाहिए, वन से बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये होता है बाइनोमियल थ्योरम, बहुत ही काम की चीज है, हमें अक्सर यूज पड़ता है। क्लियर है बेटे, क्लियर, तो ये याद रहना चाहिए आपको। यूज कैसे करेंगे, देखो ये कैसे हमारे बड़े बड़े कैलकुलेशन को ऐसे चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत आसान बना देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं बेटे कि 1.0001 को पावर करो 100, पावर करो 100, इसको कैलकुलेट करो, नानी याद आ जाएगी बिल्कुल, है कि नहीं, किसी की भी, बड़े बड़े लोगों की भी क्या आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी, अगर वो वाकई वैसे करना चाहता है, कन्वेंशनल तरीके से करना चाहता है कि भाई 2 का पावर 4 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर लेंगे, है ना, ऐसा। तो 1.001 इंटू 1.001 1.001 ऐसा 100 टाइम्स करने जाएंगे तो हमारा उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट बाइनोमियल इसको देखो कितना आसान बना देता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटे, हम इसको लिख सकते हैं 1.0001 का पावर 100। तो बेटे यहां देखो क्या ये शर्त पूरी हो रही है कि 1 से ये बहुत छोटा है, तो जब ये 1 से बहुत छोटा है तो ये हुआ 1, ये हुआ x और ये हुआ n, है ना, ये हुआ n। तो वी कैन यूज फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स, सो 1 प्लस एन इज 100, एक्स इज 0.0001। ठीक है बेटे, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा, सो 1 प्लस 0.01 इज 1.01। दैट मच इजी, है ना, इतना आसान बना देता है बाइनोमियल हमारी चीजों को। ठीक है, तो ये अक्सर यूज करेंगे हम लोग, बाइनोमियल बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके बच्चों, क्लियर है मेरी बात, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, तो बच्चों बेसिक अलजेब्रा में आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सीरीज के बारे में, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आज आप इस इन सारी चीजों को अच्छे से नोट्स में नोट डाउन करिए,
रिवाइज करिए, इसके ऊपर जहां भी आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं सॉल्व करिए, 9th 10th में आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप उसको यूज करिए, ठीक है, ताकि आपको आगे जब भी इसकी जरूरत पड़े तो आप आसानी से रिकॉल कर पाओ और उसको यूज कर पाओ, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आगे भी करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय।